राजकुमारी जी, आपने बुलाया? हाँ, अब हम ये चाहते हैं कि तुम्हें हम अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे। पर क्यों? नहीं, अब तुम काम नहीं कर पाती हो यहाँ पर सही से, न टाइम पे तुम आती हो न टाइम पे जाती हो, और हर वक्त सोना 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 सोना। अरे हम सोते कब हैं? हम तो सुबह टाइम से आते हैं, टाइम से ही जाते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन हमारी गलती क्या है? बिना गलती के हमें निकाल दिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिना गलती के नहीं निकाला जा रहा है, तो तुम्हारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अरे तो हमारी गलती है तो हमें बताओ ना तो। अरे हम कुछ नहीं, अब हम तुम्हें रखना नहीं चाहते, बस हमारी बात यही है। हमने ना अब हम गलती है कि ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत काम है, हम अपने घर के भी काम देखने हैं, और हम तुम जानती हो इस गांव के हम चौधरी हैं। अरे वो तो मुझे पता है, तुम हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है बहुत। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, बिना गलती की तुम किसी को ऐसे कैसे निकाल सकते? नहीं नहीं नहीं, हमें गलती के क्यों गलती, हम कितनी गलतियां गिनाएंगे, तो हम कोई गलती गिनाना नहीं चाहते। और अपना सामान उठाओ, कहाँ है तुम्हारा अपना, लेकर आओ, सब सीधे निकलो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं रख सकते। अरे ये बताओ, हमें काम की जरूरत है और तुम हमें अपने काम से निकाल लो, लेकिन हमें एक गलती की वजह तो बता दो, ये वजह है बस। हम गलतियां गिना ही नहीं सकते, हम कोई गलती नहीं गिना रहे, हमें रखनी नहीं है, हम रखनी बस, नहीं है बस। तो फिर कौन करेगा इस घर का काम? घर का काम करने के लिए और बहुत सारी नौकरानियां हैं, तो ऐसे कोई इस दुनिया में कमी नहीं है किसी चीज की, सब चीज मिलती है यहाँ। अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा हिसाब कर दो। हिसाब इस महीने नहीं होगा, अगले महीने होगा। और अपना सामान उठा, और अपना सामान उठा, जल्दी हमारे सामने निकलो। अगले महीने क्यों होगा? अगले महीने अभी किया है, लेकिन अगले महीने हिसाब क्यों होगा? अभी हम देखेंगे ना, जब देख के बताएंगे कितने निकलते हैं तुम्हारे। चलो जा, अपना सामान उठा और चलती बनो। पहले ऐसा है, हमारा हिसाब कर दो, तभी हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे हम। हिसाब तो हम तुम्हारा जरूर करेंगे, हाँ तो बस, मगर अगले महीने करेंगे। और सुनो, हम तुम्हारा सामान लाके देते हैं। अरे तो सुनो तो सही। नहीं कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। आदमी है वो तो हमारी गलती भी नहीं गिना रहे, फालतू में हमें निकाल। नहीं नहीं, चलिए ये पकड़िए अपनी। ऐसे कोई फेंकता है क्या हमारे सामान को? निकलो निकलो, हम भी देखते हैं, हम भी अपना हिसाब करवा के रहेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, अगले महीने आना। आपकी तो गलती बताओ साहब, गलतियां गिनाने के हो गए चौधरी। तो पता चौधरी साहब भी हद करते हैं। अरे राजकुमारी नमस्ते, नमस्ते। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ, अच्छा खासा मैं काम कर रही थी, लेकिन जो चौधरी साहब है ना, उन्होंने हमें निकाल दिया काम से। निकाल दिया? हाँ, ना गलती बता रहे ना कुछ बता रहे, बेफिजूल में मुझे निकाल दिया काम की। लेकिन निकाला क्यों? पता नहीं, कोई गलती बताएं, जब ना कोई बात तो हुई होगी। कोई भी बात नहीं बताई है, मैंने पूछा मेरी गलती तो बता दो, क्या गलती है? अरे गलती एक नहीं, हजार गलती है, मैंने तो बता तो दो कौन सी गलती है, मैं उस गलती को सुधारूंगी, पर नहीं बताया। नहीं, हजार गलती है, यही कहते जा रहे हैं जब से। पैसे वैसे दे, पैसे भी नहीं दिए, अगले महीने की कह रहे ना पैसे दिए, मैंने कि मेरा हिसाब कर दो जितने। ये कौन सी बात हुई कि अब निकाल आज दिया और पैसे अगले महीने मिलेंगे? जब निकाला है तो पैसे भी दो। मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया रोड पे। इतनी बेइज्जती जी, तू चल मेरे साथ। कहाँ? तू मेरे साथ तो चल, चल आज। चौधरी साहब, चौधरी साहब, घंटों में तो निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, कौन? कौन? तो हाँ, तुम कौन हो भाई? मैं राधा हूँ। राधा? हाँ। कौन राधा? पहचाना नहीं तुमने मुझे? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अरे मैं उनकी चक्की वाले की लड़की हूँ। ठाकुर साहब? अब वो चक्की वाले ठाकुर साहब जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बेटी हूँ मैं, राधा। तो तुम इसके साथ कैसे आई? इसके साथ मैं इसलिए आई, ये बताओ कितने समय से काम कर रही है आपके यहाँ ये, लेकिन आपने इसे क्यों निकाल दिया? अब ऐसी क्या गलती हो गई? अब मतलब पिछले 3-4 सालों से तो इसमें कोई कमी नहीं थी। अरे कमियां थी, मैं गिनाता नहीं था इसकी। अच्छा हाँ, कभी कमियां नहीं गिनाई, जब इंतहा हो गई मैंने तब इसे निकाला है, और अब मैं इसे रखूंगा नहीं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि तुमने इसकी कमियां अब गिनना स्टार्ट कर दी ना, पहले तुम्हें इसकी कमियां दिखाई नहीं देती थी, अब तुम्हें इसकी कमियां दिखाई देने लग गई हैं। पहले खाली इसकी खूबियां ही दिखाई देती थी, तो इसमें कोई कमी नहीं थी, अब इसमें कमी है तो कोई खूबी नहीं है। अब खामोश हो जाओ, मैं इसे नहीं रखूंगा। लेकिन क्यों? मैंने बता दिया मैं कितनी कमियां गिनाऊंगा। पैसे दे दो ना उसके। पैसे इसके हमारे पास नहीं है अभी। क्या? हमने कह दिया अगले महीने इसका हिसाब करेंगे। ये अच्छा है, काम करवा लो, तुम्हारे बाप का राज है, हैं? काम का काम करवा लो, अगले आदमी के पैसे भी ना दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मगर एक बात याद रखो। हाँ। मुझे 3 मूर्ख ला के दो ऐसे है? और 50,000 तो मैं इनाम के भी दूंगा। 3 मूर्ख? हाँ। क्या? मुझे 3 मूर्ख चाहिए जो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हों।
और मैं तुम्हें 50,000 इनाम भी दूंगा। तीन मूर्ख? अरे ये कैसा सवाल है तुम्हारा? अरे मैं कहां से ढूंढूंगी तीन मूर्ख? ये मेरा काम नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा सवाल ही उल्टा है। क्यों, मेरा सवाल उल्टा क्यों है? तुम इसके पैसे दिलाने आई हो ना, इसकी हिमात में आई हो, इसकी हिमात में आई हो ना। ठीक है, मैंने तुम्हारे आगे सवाल रखा है, मेरा सवाल सॉल्व करो और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बस इससे आगे मुझसे कोई बात मत करो। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं लाके दूंगी तुम्हें इस गांव के चौधरी हैं, जो कह दिया सो कह दिया। सुनिए सुनिए, मैं लाके दूंगी तुम्हें तीन मूर्ख। हाँ, लेकर आओ। ठीक है ना? ठीक है, उसमें मेरी भी एक शर्त रहेगी। क्या? वो तो मैं जब भी बताऊंगी। ठीक है, बता देना। अभी नहीं। हाँ हाँ, बताने पर। ठीक है, ठीक, तो ले जाओ अंदर। नहीं नहीं नहीं, जब तक तीन मूर्ख नहीं लाके दोगी तब तक मैं इसे अंदर नहीं लूंगा। क्यों ना? अरे मैं लाके दूंगी। हाँ तो लेकर आओ ना। तब तक तो इसे ना ना ना, अब तो तीन मूर्ख जब ला दोगी तभी मैं इसको अंदर लूंगा, और सबसे बड़े होने चाहिए वो। ठीक है, मैं लाके दूंगी। ठीक है, चल मेरे साथ आ। लेकिन एक बात और, मूर्ख के साथ में तुमने 50,000 रुपए इनाम की भी बोला है। ठीक है, हम 50,000 रुपए बिल्कुल देंगे, और सुनो हम एक गले की सोने की माला भी देंगे तुम्हें। ठीक है, मैं लाके दूंगी तुम्हें तीन। लेकर आओ, ये चौधरियों की बात है। कहाँ ढूंढती फिरेगी तीन मूर्ख, इसको मिलेंगे ही नहीं और हिसाब भी हम करेंगे ही नहीं। दीदी एक बात बताओ, इतने सबसे बड़े मूर्ख हम कहाँ से लाएंगे तीन? वो भी ले, तू इसी बात पर चिंतित हो रही है अभी तक? तो कहाँ मिलेंगे? तू परेशान मत हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और मैं तो कोई बहुत ही बड़ा हार्ड काम समझ रही थी, मैंने कि ऐसा कोई कठिन काम बताती तो, मगर इतना छोटा सा काम बताया है, उसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। देखिए आजकल के तेज तो मैंने देखे हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं देखे जो मुर्ख मुंह पूरे। बताओ कहां से ढूंढोगे तुम? वही तो, पर चल कोई बात नहीं, आज से ही लगकर लगाते हैं ना घूमने का। चला ठीक है। दीदी अब इतने हम कब से घूम रहे हैं मुर्खों को देखने, अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा है ना, हमें मिलेगा, हम ना ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। अरे पागल परेशान मत हो, मिल ही जाएंगे। जब दिमाग में कोई चीज ठान लो तो उसे फिर करके छोड़ो। अरे तो सुबह के निकले हुए, अभी तक एक भी नहीं दिखाई दिया। अरे एकदम इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल जाएंगे, अभी कोई रस्ते में पड़ी हुई चीज तो है ना, कोई मिल जाए। मूर्खों को ढूंढना है मूर्खों को, और मूर्खों को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। चल आगे तक चलो। दीदी मिल जाएंगे। अरे मिलेंगे, चला आज। थक गए हम तो। मिलेंगे कहाँ से मूर्ख, कहीं दिखाई ना दे रहे, सुबह से शाम हो गई। मैं वही तो कह रही हूँ। अरे एक मूर्ख तो देखो वो आ रहा, देख ये जो साइकिल पे। हम्म, ये तुम्हें लगता है ये मूर्ख ही है? अरे ये एकदम एक नंबर का मूर्ख है, और उसे दिखने से भी लग रहा है कि ये मूर्ख है। तो दीदी ये बताओ ये कैसे मूर्ख दिख रहा है? साइकिल भी अच्छी चला रहा है, कैसे दिख रहा है मुझे तो? साइकिल अच्छी चला रहा है? ये मूर्ख ऐसे है कि देख साइकिल भी है, चला के भी ला रहा है, और वजन वाली पोटरी सर पर रख रखी है, पीछे भी तो रख सकता है। अरे हाँ ये तो, ये ऐसे मूर्ख है। फिर अगर पैदल होता तो बात सही है कि सर पर लाया है, पैदल आ रहा है, उस पर साइकिल से आ रहा है, लेकिन साइकिल पे पोटरी नहीं रख के ला रहा, तो फिर ये साइकिल पे आने का फायदा ही क्या हुआ इसका, इससे तो पैदल आ जाता। सही कह रही है दीदी। हाँ वही तो, मैंने ये दिमाग सोचा ही नहीं। चलो रुकते हैं फिर, क्या है? चल उसी के पास चलते। अरे हट नहीं रही हो दोनों की दोनों? अरे तो रुक तो जाओ, तुमसे बात करनी है, कुछ नीचे उतरो। अच्छा नीचे उतरो, ऊपर ही कर लो बैठ के। हेलो हेलो। अच्छा ये बताओ भैया, जब तुम्हारे पास साइकिल है तो इस पोटरी को साइकिल पे क्यों नहीं रख के ला रहे हो? पहले तो एक बात बताओ कि तुम्हें क्या सर्द गर्मी हो रही है कि मेरी पोटरी ऊपर रखी है साइकिल पर रखी हो? नहीं नहीं, हमें सर्दी गर्मी तो नहीं हो रही है, लेकिन हमें आपकी जरूरत थी। देखो बात ये है कि हम करके ला रहे हैं मंडी, अगर मैं पीछे रखता हूँ तो पीछे साइकिल पे हो जाएगा वजन ज्यादा, और मुझे साइकिल खिंचेगी नहीं, तो इसलिए वजन ज्यादा ना होने के कारण मैंने ये पोटरी उठा के रख ली अपने सर पे। बहुत बड़ा मूर्ख। क्या कह रही है? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कहा, आपकी हमें बहुत आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता? तुम्हें कम से कम 1,000 रुपए का मैं इनाम दूंगी।
1000 रुपए? हाँ, जिस जगह पे हम तुम्हें ले जा रहे हैं बस तुम्हें वहां जाके बस इतना कहना है कि मैं साइकिल पे आ रहा था और मेरे सर पे ये पोटरी रखी थी। क्या तुम मूर्ख बना रही हो मुझे? अरे मूर्ख को मूर्ख बनाएंगे ना, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बस हम एक जगह ले जा रहे हैं, बस तुम्हें ये कहना है वहाँ पे। अच्छा, कह दोगे तुम्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे? 1000 रुपए मिल तो जाएंगे ना। कहाँ मिल जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर जाऊँ, देखो मुझे रहते हैं बहुत काम और सब्जी लेके जानी मुझे घर, मेरी धर्म पत्नी कर रही है इंतजार, और अगर मैं सब्जी लेके समय से नहीं पहुँचा वो तो मैं पैसे के लालच से जा रहा हूँ, अगर पैसे नहीं मिले तो फिर देख लेना। अरे 1000 रुपए मिल जाएंगे। क्या कहना है वहाँ पे? रुको, कहाँ जा रही है? वहाँ ये कहना है कि मैं साइकिल पे आ रहा था, ठीक है, और पोटरी मैं अपने सर पे रख के ला रहा था। अच्छा, बस इतनी सी बात कहनी है, दो बात कहनी है। मैं साइकिल पे आ रहा था और पोटरी अपने सर पे रख के ला रहा था, और अगर मैं साइकिल पे रख के लाता तो वजन हो जाता। अच्छा, बस इतना बोलना है। तो इसी बात के हमें 1000 रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए मिल जाएंगे, अब वो भी मुश्किल से 10-15 मिनट के। ठीक है, तो बैठो साइकिल पे पीछे। अब बैठो, एक नहीं हम पैदल चले जाएंगे। दो क्या, मैं 8 बैठा लूं उस पे? कैसी बात कर रही हो तुम? हैं, देखो घंटी भी है। ये बताओ, दिमाग दिमाग नहीं है? जंग आ गई इसमें, बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि? बुद्धि तो बहुत है, सुन रही हो? नहीं बहन जी, बुद्धि बहुत है मुझमें। पर कहाँ गई? कहाँ गई नहीं, बुद्धि अभी भी है और मैं सब जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, को हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो आ जाओ, हम पैदल ही चलेंगे। तुम चलो पैदल, मैं क्यों चलूँ? मैं तो अपने उसमें चलूंगा रब्बा में। हट जाना आगे तो नहीं उड़ जाओगी? हट जाओ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। हाँ, तुम तो ऐसे टहलते हुए आ रहे हो जैसे कि कहीं पार्क वारक में टहल रहे हो। नहीं पार्क में नहीं, मैं जरा चौपाल पे गया था तो थक गया था, तो मैं आराम से ही आया हूँ। ला पहली किस्त निकालो हमारी। क्यों, काय की? पहला मूर्ख ले आए हम। कहाँ है? बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है? हाँ। बाहर खड़े होने के थोड़े ही, सामने लाओ हमारे। अच्छा, और क्या? अरे भैया, ओ भैया, अंदर आ जाइए आप। देखो मैं नहीं आऊंगा अंदर, सुननी हो? नहीं बाहर आना तो आ जाओ बात करने के लिए, नहीं तो निकल रहा हूँ। तुम बड़ा भूल पा रही हो मुझे? अंदर क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं आना, अब आ रहा है तो आ जाओ। वो सबसे बड़ा मूर्ख है चौधरी साहब, वो इसलिए अंदर नहीं आ रहा है। अब चलना तो आप ही को बाहर चलो। कमाल है, मूर्ख भी लाई हो तो अंदर नहीं आ रहा, बाहर खड़ा। चलो अच्छा, तो इसी बात की तो मूर्खता है और इस बात की। हाँ चलो चलो, देखते हैं उसकी मूर्खता। चलो, ये है। ये कौन है? ये भाई, ये पिताजी हैं क्या आपके? नहीं, चौधरी साहब। चौधरी साहब, चौधरी साहब। राम राम, हम इस गांव के चौधरी हैं। अच्छा, और चौपाल में हमारे फैसले, हम फैसले करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बात बात बनाओ। अब ये मूर्ख है या नहीं ये बताओ। ये मूर्ख कहाँ से लग रहा है? कहाँ से लग रहा है? साइकिल भी है इसके पास, सामान भी लेके आ रहा है, और पूरा रुष्ट पुष्ट। रुको रुको, अभी बताते हैं। हाँ बताओ। वो ऐसा है कि इससे जरा ये पूछ के देखो कि भैया तू साइकिल पे होते सोते वो क्या कहते हैं अपने पोटरी ऊपर क्यों रख, सर पे क्यों रख रही? पूछो, तुम ही पूछो। हाँ भाई, तुम्हारे पास साइकिल है, सब कुछ है, ये तुम पोटली क्यों रखे हुए अपने सर पे? देखो साहब, चौधरी साहब, हाँ बात सुन लो। बात ये है कि मैंने इसलिए पोटली ऊपर रख रखी है कि साइकिल पे वजन ना पड़े मेरी। अच्छा, साइकिल पे वजन नहीं पड़ेगा, बस दिमाग का काम करता हूँ। अच्छा, और आप अंदर क्यों? अभी पूछो, अंदर क्यों नहीं आए थे? और अंदर क्यों नहीं आए? अंदर इसलिए नहीं आया कि देखो मुझे अंदर आना किसी के घर में अच्छा नहीं लगता। ये मुझे तय करके लाई है 1000 रुपए में, साफ बात यहाँ है, खुल के बोल रहा हूँ साफ साफ। 1000 रुपए चाहिए? और हाँ, 1000 रुपए दो, मैं चलने दो। और सुनो, तुम कह रहे थे कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ कि अंदर आ जाऊ। समझ लेना चौधरी साहब। अब देख लिया? समझ लिया। सही कह रही, बात तो तू सही कह रही है। मूर्ख तो है, मूर्ख तो हो। क्या कह रहे हो? अरे मूर्ख हो, तुम साइकिल पे चल रहे हो यार, ये तो देखो, और तुम पीछे नहीं रख सकते सामान, और साइकिल पे वजन आ जाएगा, ये और कह रहे हो तुम? देखो भाई चौधरी साहब, मेरे मुंह मत लगाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कर्म है, मैं अपना जेब चाहे मैं अपने सर पे रखूं, अपने मुंह पे रखूं, अरे रखूं तो मैं, अरे तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? कुछ भी हो गई थी, तुम मत बोलो, शांत करो। अरे ये बता, बुद्धि से बाहर हो? तुमने ये कहा था कि एक मूर्ख मिल जाए, मैंने तुम्हें लाके दे दिया, उससे बेहतर क्या कर रहे हो? अरे रुक, ये तुम पोटली अपनी पीछे रख ली थी। मुझे रखनी नहीं हो चौधरी साहब, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ कि मेरी साइकिल में वजन बढ़ जाएगा फिर। ओहो,
मूर्ख नहीं हो तुम, मूर्ख नहीं हो, मूर्ख नहीं है। अच्छा मैं भाई सही कह रही है, तू एक मूर्ख तो ले आई भाई, अब दूसरा लाना बाकी, अब दूसरा लेकर आओ। एक किस्से तो बन गई। हाँ ये ला भाई, ला बच्चा, ला 1000 रुपए दो मुझे। चलो बाहर बात करते हैं, बाहर जा। चल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई साहब क्या कह रहे हो? अरे जा तुम। ए राजा चौधरी साहब मैं को, अरे सही, बिल्कुल सही बात है साहब, राधा सही कह रही, बहुत बड़ा मूर्ख है ये। सही कह रहे हो। पैर रुको, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, साहब पैसे दो, 1000 रुपए। काहे के पैसे? मैं मुझे एक बात बताओ, तुम लेके आ गई, मुझे मूर्ख बना दिया, पैसे दो ना मुझे। तो मूर्ख को मूर्ख ही बोलेंगे ना, और अकलबंद थोड़ी कहेंगे, बुद्धिमान थोड़ी कहेंगे। कैसी बात कर रही हो ये तुम? पैसे किस बात के मांग रहे हो? कौन सा तुमने ऐसे फावड़े पलट दिए हमारे लिए? इसका मतलब तुमने मेरा समय बर्बाद कराया। तुमने मुझे ये समझ लो, मुझे घर भी नहीं जाने दिया और सब्जी ऊपर रखी हुई है। समय के लिए तो बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो मुझे, है ना? ये बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल अकल ही नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। चलो मूर्ख क्या करो तुम, अगर मेरे अगर जान पहचान में होती ना तुम, तो मैं बता रहा हूँ, मैं दिन क्या से क्या कर दे, जानती नहीं हो तुम मेरे बारे में। चलो चलो निकलो, जाओ 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 भैया, हम तो इतना समय ना है, अगर मूर्ख ढूंढना है हम चले नहीं आते। क्या बताओ, आ रहा हूँ अभी साइकिल लेकर, पीछे हटे। आज तो हम वाकई में बहुत थक गए, अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं घर जाके सो जाऊँ। सो जाऊँ? अभी तो एक और मूर्ख देखना है, दूसरा और तीन की गई ना। चलो एक की, अरे अरे उधर नजर मारना। अरे हाँ सही कह रही है, एक मूर्ख तो ये रहा, दिख रहा है ना, और मुझे तो इसे देख के तो बहुत हंसी आ रही है। हाँ ये इसने जाल क्यों रख रखा अपने सर पे, पता नहीं। चलिए जरा देखते हैं इससे, जरा मिलते हैं, बात करते हैं, आ जा। क्या? अरे बहन जी, राम राम। हाँ, राम राम भैया। वैसे कहाँ आ रही है तुम? मैं कहीं नहीं जा रहे थे हम, वैसे रास्ते में आप ही जैसे को ढूंढ रहे थे। वैसे ये किस लिए, ये क्यों रख रखा है तुमने सर पे? अरे बहन जी मैं बताऊं, अब मैं खेतन पे आता हूँ, ठीक है, हमारा धूप निकलता है, कभी बारिश हुआ जाता है, जामने में चांद भी लगा रखी है, यानी कि धूप रोकने के लिए। हाँ धूप रोकने के लिए और बारिश को रोकने। हाँ अब थोड़ा सा वजन नहीं तो का है। अच्छा भैया मैं तुम्हें अगर एक काम बता, कहना चाह रही हूँ, कुछ नहीं कह रहे, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। अगर हम आपको एक काम बताएं तो करोगे? काम? उसमें पैसे भी मिलेंगे। काम कैसा बताओ? 1000 रुपए मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें 1500 दे दूंगी। अच्छा अच्छा काम तो बताओ पहले। काम ये है कि एक जगह हम आपको ले जाएंगे। अच्छा वो कुछ आपसे ये पूछेंगे कि जैसे अभी हमने पूछा, ये क्यों रख रखा है, ये क्यों रख रखा है, जैसे आपने अभी हमें जवाब दिया ना, ऐसे ही उनको देना है। तो जाने को वो पैसा वाली बात है हमें। अरे तो पैसे तो हम दे ही देंगे ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए बहन जी, अगर पैसे मेरे को नगद चाहिए। हाँ कैश पेमेंट, बिल्कुल कैश। चलो ठीक है, तो चलो भैया आप यही खड़े रहो, हम जरा अभी आ रहे हैं। बहन जी जल्दी आई है का, मेरे को जाना है खेतन पे। आजा। जी ऐसे वैसे कौन सा काम आवे, हम पैसे मिले। आप चौधरी साहब निकल भी आया करो, दूसरी किस्त भी बन गई तुम्हारी। दूसरी भी ले आए? और क्या। अच्छा दूसरा मूर्ख भी ले आए, कहाँ है? अभी बुलाते हैं। अब भैया अभी बुलाते हैं। रुको भैया, अंदर आइए, अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ ये राम राम भाई साहब हम इस गांव के चौधरी हैं। हाँ चौधरी साहब, राम 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 राम। ये मूर्ख, कैसे बुलाए हो? ये मूर्ख है, अब पूछ लो इससे। हाँ भाई। हाँ क्या लगा रखा है? अरे भाई साहब हमारा काम है खेतन को। हाँ? तो वहाँ पर तो धूप जा हमारे चांद पे लगा रखी है, और बारिश पड़ी तो जा हमारे चांद पे लगा रखी है, आंधी फांधी आ जाए। छतरी है हमारी, छतरी। अच्छा छतरी है। हाँ। अच्छा इससे बारिश और धूप रोकते हो? कमाल है भाई। क्या इसका कौन से गांव के हो तुम? उस गांव में क्या सारे ही मूर्ख रहते हैं क्या? कौन से गांव में? मतलब तुम्हारा कहने को का मतलब ये है कहने का
कि ये सब धूप और तुम बारिश के लिए लगाते हो क्या? गांव में वो गांव जो है मूर्खों का है। खाली तुम ये देखो, खाली ये देखो मूर्ख है, उसके गांव तक मत पहुंचो। फालतू की बात बता रहे हैं तुम, चौधरी से आवाज आ लीजिए, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। अरे इज्जत तो कर रहे हैं भाई मेरे, तो ये तो देखो ये इससे पानी चांद में लग रहा है, हम कछु लगाए। अरे लगाओ कछु, मगर कम से कम बारिश और धूप बता रहे हो यार। वही बात, बारिश और धूप रुकेगी इससे? चौधरी साहब तुम्हारी फालतू की बात करो तुम, ठीक है? हमारी चांद में रहो, हमारी चांद में बोझो, तुम्हें कोई मतलब ना है। अरे भाई है ना मूर्ख, ये देखो पहले अब चलो एक काम करो, दो मूर्खों का पेमेंट कर दो। दो मूर्खों का और क्या, क्यों कर दे? क्यों? तीन की बात हुई थी। अरे तो एक के रोक लो, दो के दे दो मुझे, जब तीसरा लिया हूँ जब दे देना। ना 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 राधा, चौधरी तो सारा पेमेंट करेंगे एक साथ ही। अरे तो हम दूसरा तीसरा भी ले आएंगे, पहले हमें दो के तो दे दो। ना 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 ना, ना। चौधरी तो जब भी करते हैं हिसाब पूरा, तीसरा और लाओ। लो तो तीसरा भी मिल गया। कहाँ है बताओ, कहाँ है बता। ये रहे, यानी मैं। हाँ अब पूछो कैसे। हाँ कैसे, इसलिए कि इतने से काम को कोई इतनी बड़ी रकम देता है, वो भी 50,000, तीन सोने की चेन और एक सोने की चेन। हाँ मैं तो भूल गई, अच्छा वो तूने याद दिला दिया। और हाँ सोने की चेन भी तो है। तीसरा दो मूर्ख तो मैंने तुम्हारे सामने लाके दिए और तीसरे तुम हो ही। और फिर और कमियां गिनवाऊं? लड़की में तुम्हारे यहाँ जो लड़की काम कर रही है उसमें कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी वो है ना बुद्धि फिर गई, यानी कि मूर्खता बिल्कुल उल्टी हो गई, तो उसे तुमने निकाल दिया। अब तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। बात क्यों नहीं है? अच्छा नहीं, नहीं, तुम्हारी बात बात है, दूसरे की बात कोई बात नहीं हुई। नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं हारने वाले, हमें तो तीसरा मूर्ख चाहिए। अरे हो तो तुम तीसरे मूर्ख नहीं हो। ये बताओ कोई इतने से काम के लिए 10 रुपए भी ना दे, और तुम इतने से काम के लिए एक सोने की चेन और 50,000 रुपए दे रहे हो। ठीक है, अब गांव में किसी से कहना मत, पैसे लेके आ जाओ। ठीक है, जल्दी जाओ, देता हूँ, खड़े कागज लेके आओ। हाँ। और चेन भी लिया ना। देख राधा, ये बात गांव में किसी को पता ना चले, मैं पहले भी कह चुका हूँ। पैसे तो दे दो। हाँ ठीक है, ना कह रहा कोई, ना कह रहा किसी से। हाथ कप रहे देने में। अरे हाँ, और चैन 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 फिर लियो। ये क्या मतलब, ये कौन सी बात है? ये कोई जबान तो है नहीं तुम्हारी। देख चौधरी की जबानों की बात मत कर, जबान की बात करेगी तो चक्कर पड़ जाएगा। तो फिर चैन दो ना फिर। ठीक है, हमें तो मालूम थी, ये लो पकड़ो। नकली तो ना पकड़ियो, देख लो पहले। प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट। 24 कैरेट? हाँ, ये चौधरियों के घर के जेवर हैं। वैसे एक बात तो है, तुम वाकई में ही मूर्ख। ये बात तू अब गांव में चौपाल में मत कहियो कहीं। ना ना ना, मैं ना कह रही, सुनो। हाँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी चौधराहट चली जाएगी। अब इसे ड्यूटी पर रखोगे नहीं? हाँ काम पे। हाँ रखे रही। अरे दीदी तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे आदमी के साथ, ऐसे मूर्ख के साथ मैं रहूंगी? उसने भी मना कर लिया, वो भी ना रहेगी। मुझे थोड़ी ना मूर्ख बनना है दूसरे के साथ रह के। राधा ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, इससे बोलो काम करे। अरे मैं क्यों काम करने लगी? मैं एक अपनी सिलाई मशीन खरीद लूंगी, उससे काम करूंगी मैं। लो मैं क्यों काम करने लगी तुम्हारे? तुमने निकाला था तो किसी से तो मैं रख तो रहा हूँ अब। अरे ये क्या बात हुई, जूते मार लो फिर सॉरी बोल दो, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। जब तुम निकाल रहे थे, जब तुम्हारी चल रही थी, अब वो नहीं रहना चाहती है, नहीं करना चाहती तुम्हारे यहाँ काम। मतलब ये है तो फिर मेरे चैन और मेरे पैसे दे दो। काहे के पैसे और चैन? पैसे फालतू में, ये तो शर्त के अकॉर्डिंग हम लोग जीते है। नहीं नहीं नहीं, कोई जीत हार नहीं है, कुछ नहीं। कोई जीत हार नहीं मतलब, दो मूर्ख लाने में कितनी मेहनत करी है, पूरी दोपहर ही हमारे सर पे होके निकल गई है।
खाना तक नहीं खाया, खाना तक नहीं खाया। अरे तो 200 रुपए ले लो। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है, तुमने देखी है कभी? 200 रुपए बोलते है ना तुम अपने मुँह से, तो हम 200 ही लेते। तो अपनी शर्त मत लगाया, शर्त मत लगाया करो जब तुम उस पर खरे नहीं उतरते हो तो, ठीक है ना। चलो तीसरे मूर्ख में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें यही मिल गए है क्या नहीं। चलो चलो आगे से शर्त लगाओ तो जरा सोच समझ के लगाना, वो भी हमसे। भाई ये तो चौधरियों की नाक काट के चली गई, चौधरियों ने तो कभी ऐसी न जाने कैसे हो गया। ये चौधरी तो भाई बड़े बुद्धिमान और अकलमंद होते हैं, पहली बार इतना बड़ा घाटा हुआ है। अब ये बता, अब इन पैसों का और इस चैन का हमें करना क्या है? क्या करना है? हाँ। मुझे तो बस एक सिलाई मशीन लेके आनी है, सिलाई सीखनी है और काम करना है बस। तू एक काम कर, तू अपने लिए सिलाई मशीन लिया, वो भी पैर वाली। हाँ। और मैं ले आऊंगी एक भैंस। हाँ, दूध के लिए मैं क्या नहीं, और मेरे पास ही रह लियो तू। मैं भैंस का काम, मैं भैंस का व्यापार कर लूंगी, एक से दो तू सिलाई का कर लियो, और इस चैन को तोड़वा के तेरे लिए और अपने लिए मैं कुंडल बनवा लूंगी। ठीक है? ठीक है। तू भी मेरी बहन जैसी है, तूने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की है, है ना, बहन ही है मेरी छोटी। ठीक है दीदी, चल।